Hello, welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 8 chapter 2 linear equation in one variable exercise 2.6 all question solved. आज हम लोग पढ़ेंगे exercise 2.6. First question देखिए, कहता है hx minus 3 by 3x is equal to 2. इसको हम लोग को सॉल्व करके यहां से x का वैल्यू निकालना है. देख exercise 2.6. फर्स्ट क्वेश्चन 8x माइनस 3 बाई 3x इज इक्वल टू 2. तो ये 3x मेरा चल जाएगा ऊपर, डिवाइड में था तो इक्वल टू के यहाँ चल जाएगा, तो ये हो जाएगा इनटू में. तो ये हो गया मेरा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x. ये 2 इंटू 3x हो गया, तो हो गया मेरा 6x. ये हो गया मेरा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 6x. तो x मेरा चल जाएगा एक साइड में और नंबर चलाएगा एक साइड में, यानी कि ये हो गया 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 3. 2x is equal to 3, x is equal to हो गया 3 by 2. Number 2 देखिए, दिया हुआ है 9x by 7 minus 6x is equal to 15. तो ये हो गया है मेरा 9x is equal to 15 into 7 minus 6x. ये यहाँ चल गया है, तो हो गया है multiply 9x is equal to 105 minus 90x. ये 90x यहाँ से उठ के चल गया है मेरा इधर, ये हो गया है 9x plus 90x is equal to 105, यानी कि 99x is equal to 105. और x इज इक्वल टू 105 बाई 99 कट किए हैं, तो हो गया है मेरा x का वैल्यू 35 बाई 33. अब देखिए नंबर 3, z बाई z प्लस 15 इज इक्वल टू 4 बाई 9. तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे z को और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस 15 को, क्रॉस क्रॉस हो गया. ये हो गया 9z, ये हो गया 4 इंटू z प्लस 15, यानी कि 9z इज इक्वल टू 4z प्लस 60. ये हो गया है 9z, ये 4z यहाँ चल गया, यानी कि 9z minus 4z is equal to 60. ये हो गया 5z is equal to 60, then z is equal to 60 by 5, therefore z का वैल्यू हो गया है 12. नंबर 4 देखिए, दिया हुआ है 3y plus 4 divided by 2 minus 6y is equal to minus 2 by 5. क्रीज क्रॉस करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y plus 4 का और minus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 minus 6y का. ये हो गया 5 3y plus 4 मल्टीप्लीकेशन में और minus 2 2 minus 6y मल्टीप्लीकेशन में. ये हो गया है मेरा 5 3 15y प्लस 5 4 20 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2, यानी कि माइनस 4, और ये माइनस 2 इंटू माइनस 6y, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया 12y. ये है मेरा 15y माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 20. ये मेरा 15y माइनस 12y हो गया है 3y और माइनस 4 माइनस 20 हो गया है माइनस 24. तो ये मेरा हो गया है कट करने के बाद y इज इक्वल टू माइनस 8. नेक्स्ट है नंबर 5. ये कहता है 7y plus 4 by y plus 2 is equal to minus 4 by 3. मेरे पास ये इक्वेशन दिया हुआ था, तो क्या किए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए इस ऊपर वाले नंबर को और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग नीचे वाले नंबर को. ये हो गया है 3 into 7y plus 4 is equal to minus 4 into y plus 2. ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन किए तो हो गया 21y plus 4 to the 12 is equal to minus 4y minus plus minus 8. ये minus 4y equal to के इस तरफ चल गया, ये हो गया 21y plus 4y is equal to, ये minus 8 था और ये plus 12 मेरा इस तरफ चलाया, ये हो गया मेरा minus 12, यानी कि minus 8 minus 12, ये हो गया 25y is equal to minus 20, या फिर y is equal to minus 20 by 25, कट किए तो हो गया मेरा y is equal to minus 4 by 5. अब देखिए question number 6 क्या बोलता है. ये है question number 6, कहता है the ages of Hari and Harry are in the ratio of 5:7, यानी कि हरी का जो एज का रेशियो है वो हो जाएगा मेरा 5x और हैरी का जो एज है उसका रेशियो हो जाएगा मेरा 7x. हम लोग इसको इस तरीके से वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिए. ठीक है, अब देखिए 4 इयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से 4 साल बाद, ये हो गया मेरा प्लस 4. ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4. आज से 4 साल बाद उनका रेशियो हो जाएगा एज का 3:4, यानी कि 4 इयर्स के बाद उनका एज का रेशियो हो जाएगा मेरा 3:4. देखिए कैसे होगा ये. ये है नंबर 6, दिया हुआ है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी 5x इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी बी 7x इयर्स. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था इनके एज का रेशियो था 5:7. तो यहाँ से हम लोग इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिए, तो ये हो गया मेरा 5x और 7x. प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी 5x years and present age of Harry be 7x years.
अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है 4 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से 4 साल बाद रेशियो ऑफ देयर एजेस वुड बी 5x + 4, 7x + 4। 4 years फ्रॉम नाउ का मतलब हो गया है प्लस 4, अभी से 4 साल के बाद। तो अभी अगर 5x है तो अभी से 4 साल के बाद क्या हो जाएगा 5x + 4। अगर अभी 7x है तो 4 साल के बाद क्या हो जाएगा 7x + 4। रेशियो क्या हो गया इनका, रेशियो इनका हो गया 5x + 4 / 7x + 4। तो देखिए रेशियो मेरा क्या हो गया इनका, रेशियो हो गया मेरा 5x + 4 / 7x + 4, और मेरा दिया हुआ था क्वेश्चन में रेशियो 3:4 होगा रेशियो इन दोनों का। तो इक्वल टू के बाद हम लोग कर दिए हैं 3/4। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 के साथ करेंगे ऊपर वाला को मल्टीप्लाई और 3 के साथ करेंगे नीचे वाला को मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हो गया मेरा 4 (5x + 4) = 3 (7x + 4), ये हो गया मेरा 20x + 16 = 21x + 12, यानी कि x का वैल्यू आ गया है मेरा 4। सो प्रेजेंट एज ऑफ हरी क्या हुआ, हरी का मेरा प्रेजेंट एज था 5x, तो ये मेरा हो गया 5 × 4 यानी कि 20 years। वैसे ही प्रेजेंट एज ऑफ हैरी मेरा क्या था 7x, ये मेरा हो गया 7 × 4 यानी कि 28 years। इस तरीके से हम लोगों ने हरी और हैरी का दोनों का प्रेजेंट एज निकाल लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, कहता है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, यानी कि मेरे पास दिया हुआ है एक रेशनल नंबर जहां पे है मेरा एक डिनोमिनेटर और जहां पे है मेरा एक न्यूमरेटर, ठीक है। बोलता है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो क्या है, इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8, यानी कि जो मेरा न्यूमरेटर होगा उससे 8 ज्यादा है मेरा डिनोमिनेटर। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, अगर न्यूमरेटर को हम लोग 17 इंक्रीज किए, यानी कि न्यूमरेटर में हम लोग 17 को प्लस किए, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और डिनोमिनेटर को हम लोग -1 किए यानी कि 1 से डिक्रीज किए, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, यानी कि जो हमको नया नंबर मिलेगा वो मिलेगा 3/2। देखिए कैसे होगा, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया हुआ है लेट द न्यूमरेटर बी n, हम लोगों ने यहाँ पे न्यूमरेटर को पकड़ लिया है एक वेरिएबल जो कि है n, ठीक है। देयरफॉर डिनोमिनेटर मेरा हो जाएगा n + 8, क्यों, देखिए जैसे यहाँ पे था मेरा न्यूमरेटर, हम लोग पकड़ लिए इसको n, अगर ये मेरा हो गया है न्यूमरेटर तो हम लोग को पता है यहाँ पे दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर इज 8 मोर देन न्यूमरेटर, यानी कि ये मेरा था न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर से मेरा 8 ज्यादा है डिनोमिनेटर, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेरा हो गया है n + 17 / n + 8 - 1, ये देखिए जो लिखे थे यहाँ पे वही आ गया, n + 17 / n + 8 - 1 = ये 3/2 आना चाहिए था, ये आ गया 3/2। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग इसको सॉल्व कर दिए, n + 17 को मल्टीप्लाई किए हैं 2 के साथ और n + 8 - 1 को मल्टीप्लाई किए हैं 3 के साथ। देखिए 2n + 17 = 3n + 8 - 1, इसको सॉल्व किए हैं तो ये हो गया 2n + 34 = 3n + 7, ये हो गया है 2n + 34 = 3n + 21, फिर 3n - 2n = 34 - 21, यहाँ पे दोनों वेरिएबल को एक साइड में लेके चलाए, ये हो गया है मेरा n = 13। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू निकाल ली, यानी कि जो न्यूमरेटर था हमको पता चल गया। तो मेरे पास रेशनल नंबर क्या हो गया, रेशनल नंबर था मेरा n / n+8, यानी कि जो मेरा न्यूमरेटर था उससे डिनोमिनेटर 8 ज्यादा था, तो अगर n है मेरा 13 तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो गया, मेरा हो गया न्यूमरेटर 13 और मेरा हो गया डिनोमिनेटर 13 + 8 यानी कि 21। तो ये हो गया है मेरा रैशनल नंबर 13/21। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।